हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं न्यू हिस्टोरिसिज़। अब देखिए, आगे इफ टू बी एनालाइज द नेम ऑफ दिस थियरी न्यू हिस्टोरिसिज़म। तो हिस्टोरिसिज़म किसको डिफाइन कर रहा है कि हिस्ट्री से जो रिलेटेड है, जो थ्योरी दी जाएगी उसके अंदर हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल होगा, उसी को लेकर के हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसे न्यू क्रिटिसिज्म था, एक नया क्रिटिसिज्म जो उन्होंने दिया था कि किस तरीके से टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट माना, यहाँ पे न्यू हिस्टोरिसिज्म को ले रहा है, टेक्स्ट की बजाय कॉन्टेक्स्ट को जो है इम्पोर्टेंट मान करके चल रहा है। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, हमेशा एक जो इसका नेम है, नेम के अकॉर्डिंग अपने जितनी भी थियोरीज हैं उनको अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि कौन सी थियोरी किस चीज को सबसे ज्यादा हाईलाइट करती है, यानी कि पर्टिकुलरली उसका हाईलाइट्स क्या है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको रिलेट करा करके याद करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, कि किसने कॉइन करी थी, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीनिंग के अंदर पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, और कुछ बुक्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्रिटिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको। जैसे कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी हमने लास्ट में पढ़ा था, वो हमारी 1960s से 70s से 80s के बीच में हमारे पास जो है डेवलप हुई थी। इसी तरीके से अगर हम न्यू हिस्टोरिसिज्म की बात करते हैं तो ये 1980 से 1990 के बीच में जो है ये डेवलप हुआ था। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये एक सिंपल सी बात कि हिस्ट्री के बारे में हमें कहता है कि टेक्स्ट जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है इन केस ऑफ उसका बैकग्राउंड, जो उसका कॉन्टेक्स्ट है उसके लिए। कैसे, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा है उसके कॉन्टेक्स्ट में बात की जाएगी। ठीक है, उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा है उसके कॉन्टेक्स्ट में बात की जाएगी, सोशल कैसा है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कैसे है। तो न्यू हिस्टोरिसिज्म फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करना है, तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, देन वी विल कम टू नो बेटर। न्यू हिस्टोरिसिज्म अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी थियोरी विच एम्स टू अंडरस्टैंड इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री थ्रू लिटरेचर एंड लिटरेचर थ्रू इट्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट follows the 1950s field of history of ideas and refer to itself as a form of cultural politics. तो ये बात आप ध्यान से देख लेंगे यहाँ पे कि cultural politics की यहाँ पे बात करता है। अब जो new historicism था, sorry criticism था, उसमें history की हमने कोई बात नहीं की, हमने सिर्फ किसकी बात की, text की बात की। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में किसकी बात कर रहा है, टेक्स्ट एज वेल एज रीडर की बात कर रहा है। हमें क्या करना है, रीडर से टेक्स्ट पढ़वाना है, उसका क्या एनालिसिस है उसके ऊपर फोकस करना है। फॉर्मलिज्म किसके बारे में बात कर रहा है, फॉर्म्स के बारे में बात कर रहा है कि फॉर्म किस तरह की है, रिप्रेजेंट कैसे किया गया है, उसका मीटर क्या है, उसका स्टाइल क्या है। ठीक है, कौन कौन से डिवाइसेज उसके अंदर यूज किए गए हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अब स्ट्रक्चरलिज्म की अगर हम बात करेंगे आगे, अभी इसके बाद एक और थ्योरी करके कॉलोनलिज्म को करके हम स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डिकंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन उसी से निकल करके आते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एक बेस बना लीजिए, जो हमारे पास थ्योरी बोली गई है वो किसके ऊपर फोकस करती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे फिर हो गया कि इट फर्स्ट डेवलप्ड इन द 1980s प्राइमरली थ्रू द वर्क ऑफ क्रिटिक स्टीफन ग्रीनब्लैट। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टीफन ग्रीनब्लैट ने ही इसको क्या किया था, कॉइन किया था, उनका एक जो वर्क था, एंड गेन वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस इन द 1990s। ग्रीनब्लैट कॉइन द टर्म न्यू हिस्टोरिसिज्म व्हेन ही कलेक्टेड अ बंच ऑफ एसेज एंड देन आउट ऑफ काइंड ऑफ डेस्परेशन टू गेट द इंट्रोडक्शन डन He wrote that the essay represented something called a new historicism. उनका जो essay था उसके अंदर वो कहता है कि जो भी हमारे पास मैंने लिखा है वो essay किसको represent करता है, वो new historicism को represent करता है। तो ये कब करेगा, ये आपसे पूछा जाए कि इसको किसने coin किया, तब भी आपने Greenblatt का नाम लेना है, Stephen Greenblatt। Okay, आपसे पूछा जाए theorized किसने किया था, Stephen Greenblatt ने किया था, कब किया था, 1982 में किया था। तो बाकी जो हमने पढ़ा है पहले, ठीक है, जो देखो फेमिनिज्म तो बिल्कुल ही अलग हो गया है हमारे पास, टॉप थ्योरी ही अलग हो जाती है उसकी। तो क्रिटिसिज्म जो अगर बात कर रहे थे, दैट डिड नॉट डिस्कस अबाउट एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, एनी सोशल बैकग्राउंड, बट न्यू हिस्टोरिसिज्म विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, in its historicism and its political interpretations, new historicism is indebted to Marxism. ठीक है, अब यहाँ पे जो मार्क्सिज्म एक थ्योरी थी जिसे जो मार्क्सिस्ट ने दी थी, उसमें वो क्या कहता है कि कैपिटलिज्म जो होता है वो ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है,
तो ये कहता है कि जब किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट होती है वो कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है मार्क्सिस्ट को भी साथ में लेकर के चलता है, मार्क्सिज्म को भी साथ में लेकर चलता है, बट मार्क्सिज्म के जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स फॉर्म्स के थे, लेकिन यहाँ पे उसमें उसमें जो था वो लिटरेचर को ज़्यादातर इंक्लूड नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, न्यू हिस्टोरिसिज्म में ये लिटरेचर को भी इंक्लूड करके चलता है कि लिटरेचर का बैकग्राउंड कैसा है, उसको किस कॉन्टेक्स्ट में जो है रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो टेंस टू सी लिटरेचर एज पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर इन विच द इकोनॉमिक बेस, यानी कि उसमें इकोनॉमिक बेस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मैनिफेस्ट इटसेल्फ। न्यू हिस्टोरिसिस्ट थिंकर्स टेंड टू टेक अ मोर नुएंस्ड व्यू ऑफ पावर, सीइंग इट नॉट एक्सक्लूसिवली एज क्लास रिलेटेड बट एक्सटेंडिंग थ्रू आउट सोसाइटी। ठीक है, ये क्लास के ऊपर ही फोकस नहीं करता है अकेला, ये पूरी सोसाइटी के ऊपर फोकस करता है। दिस व्यू ड्राइव्स प्रिमेरली फ्रॉम मिशेल फूको। ठीक है, मिशेल फूको का नाम आप याद रखेंगे, आगे हम इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे किसी दिन। ठीक है, द न्यू हिस्टोरिसिज्म इज अ लिटरेरी थियोरी बेस्ड ऑन आइडिया दैट लिटरेरी वर्क शुड बी स्टडीड एंड इंटरप्रेटेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्रिवेलिंग आइडियाज एंड अजम्पशंस ऑफ इट्स हिस्टोरिकल इरा। मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि जो भी हमारे पास लिटरेरी वर्क होते हैं उनको स्टडी किया जाना चाहिए, उनको इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, किसके बेस पर, उसके हिस्टोरिकल इरा के बेस पर उसको इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे पास टेक्स्ट होता है कहते हैं कि उसकी कोई ना कोई तो हिस्ट्री होती ही है जहां से वो डेवलप हुआ था। ठीक है, या आप कहिए कि कोई भी अगर टेक्स्ट लिखा जाता है तो पीछे कुछ घटित हुआ है, इसी वजह से वो टेक्स्ट है जो है लिखा गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग कहता है कि न्यू हिस्टोरिसिज्म थ्योरी जो होती है वो हिस्ट्री को डेवलप करती है। ठीक है, उसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट बैकग्राउंड भी हो सकता है। द टर्म न्यू हिस्टोरिसिज्म वाज कॉइन्ड बाय स्टीफन ग्रीन ब्लैक इन हिज 1982 इंट्रोडक्शन टू द पावर ऑफ फॉर्म्स इन द इंग्लिश रेनेसा। अब यहाँ पे ये चीज और कर लीजिएगा कि उनका एक एसे जिसका नाम क्या था, द पावर ऑफ फॉर्म्स इन द इंग्लिश रेनेसा, उसके अंदर इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। ठीक है, हेरोल्ड अराम वेसल इंट्रोड्यूसिंग एन एंथोलॉजी ऑफ एसेज द न्यू हिस्टोरिसिज्म। अब जो ये टर्म थी, देखो उन्होंने कॉइन कर दिया इस टर्म को स्टीफन ग्रीन ब्लैट ने, लेकिन बाद में ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गई थी जब हेरोल्ड आराम वेसर ने जो है एक अपना वर्क लिखा जिसका नाम ही क्या था, द न्यू हिस्टोरिसिज्म, 1989 में आया था। नोटेड सम की अजम्पशंस दैट कंटिन्यूअली रीअपीयर इन न्यू हिस्टोरिसिज्म। उन्होंने कुछ टर्म्स दी, कुछ की अजम्पशंस दी थी, वो अजम्पशंस जो हैं बाद में न्यू हिस्टोरिसिज्म में एक मास्टरपीस की तरह ऐड हो गई थी, दैट एवरी एक्सेसिव एक्ट इज एम्बेडेड इन अ नेटवर्क ऑफ मटीरियल प्रैक्टिसेस, दैट एवरी एक्ट ऑफ अनमास्किंग क्रिटिक एंड ऑपोजिशंस uses the tools it condemns and the risk falling prey to the practical it exposes, that literary and low literary text calculate inseparably। ठीक है, अब जो पहले की जितनी भी थ्योरीज आई थी वो हमारे पास क्या कहता है, सिर्फ हम लिटरेरी थ्योरीज को जो है प्रेफर करते हैं, लिटरेरी टेक्स्ट को जो है हम प्रेफर करते हैं, लेकिन न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है वो क्या कहता है कि लिटरेरी और नॉन लिटरेरी, मैं दोनों टेक्स्ट को ही क्या करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। क्योंकि नॉन लिटरेरी में हमारे पास क्या आ जाता है, जो कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे थे, टेक्स्ट विद कॉन्टेक्स्ट है ना, तो लिटरेरी में सिर्फ टेक्स्ट रहते हैं, नॉन लिटरेरी के अंदर कॉन्टेक्स्ट ऐड हो जाते हैं जिसमें हमारे पास एस्पेक्ट्स होते हैं अलग अलग लेवल के। ठीक है, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, वो सब। दैट नॉन डिस्कोर्स इमेजिनेटिव और आर्चिवल गिव्स असेक्स टू अनचेंजिंग ट्रूथ नॉट एक्सप्रेस इन ऑल्टरेबल ह्यूमन नेचर, दैट अ क्रिटिकल मेथड एंड अ लैंग्वेज एडिक्वेट टू डिस्क्राइब कल्चर अंडर कैपिटलिज्म पार्टिसिपेट इन इकोनॉमी दे डिस्क्राइब। और इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास मेजर क्रिटिक्स जो है इंक्लूड हो जाएंगे, क्लिफोर्ड गिर्च, लुइस मोंट्रोज, कैथरीन गैलगर, जोनाथन डोलिमोर, जेरोम मैकन एंड मिशेल फूको। ठीक है, और स्टीफन ग्रीनब्लैट का नाम तो इसमें आ ही रहा है तो मुझे यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने तो इसको कॉइन किया ही है, तो उसका नाम तो आपको इजीली याद हो ही जाएगा। और इन्हीं के कुछ जो वर्क्स हैं वो आपको याद रखने हैं, क्लिफोर्ड गिर्च का जो है था वर्क द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स, जो ये सिलेक्टेड एसेज हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स, 1983 में इनके एसेज आए थे ये। डोलीमोर, रेडिकल ट्रेजेडी, रिलीजन आइडियोलॉजी एंड पावर इन ड्रामा ऑफ शेक्सपियर एंड हिज कंटेम्प्रेरीज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। ठीक है, 1984 में आया था डोलीमोर, रेडिक डोलीमोर का। ठीक है, डोलीमोर्स लिख देते हैं यहाँ पे।
the most radical tragedy, religion, ideology and power in the drama of Shakespeare and his contemporaries. Contemporaries आपको पता ही है शेक्सपियर को कौन कौन रहे थे, ठीक है. एक तो हम अगर बात करते हैं यूनिवर्सिटी रिट्स जो थे वो रहे हैं, ठीक है. एक क्रिस्टोफर मार्लो है. तो इस तरीके से आप उसको एक बार फिर से एक बार पीछे अगर जाएंगे तो उसको आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. 1984 में आया. लुई मॉन्ट्रोज का था हमारे पास न्यू हिस्टोरिसिज्म, ठीक है. और रिवॉर्डिंग द बाउंड्रीज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश एंड अमेरिकन लिटरेरी स्टडीज 1992 में. ग्रीन ब्लड एंड गैल्गेशियर प्रैक्टिसिंग न्यू हिस्टोरिसिज्म 2000 में, ठीक है. अब इसमें कुछ की टर्म्स दी हुई हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म को लेकर के. एक हमारे पास क्या है, डिस्कोर्स, ठीक है. डिस्कोर्स क्या है, इज द टर्म न्यू हिस्टोरिसिस्ट इन जनरल एंड मिशेल फूको यूज टू डिजिग्नेट द सिस्टम ऑफ दो आइडियाज एंड इमेजेस दैट इनकैप्सुलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर. अब यहाँ पे मिशेल फूको जो है एड हो जाते हैं. मैंने कहा था अभी कि मिशेल फूको के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिशेल फूको जो है पहले एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी है. आपने अगर ध्यान, आप आगे मैं इसको कराऊंगी इसको थोड़ा सा, ठीक है. तो मिशेल फूको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं कि हमें जो है टेक्स्ट को अगर पढ़ना है तो उसकी काफी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. तो इसलिए वो बहुत ज्यादा डीप चले गए थे हिस्ट्री के अंदर, ठीक है. और कहता कि टेक्स्ट को समझना पड़ेगा तो हमें वहां तक तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है. फिर बाद में हैरोल्ड आराम वेसर का जो द न्यू हिस्टोरिसिज्म आया था 1989 में, उसको भी इन्होंने काफी प्रमोट किया. तो फूको डिफाइंड डिस्कोर्स एज वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग नॉलेज टुगेदर विद द सोशल प्रैक्टिसेस फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड पावर रिलेशंस विच इनहेयर इन सच नॉलेज एंड रिलेशंस बिटवीन देम. ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास नॉलेज कॉन्स्टिट्यूट हम करते हैं, नॉलेज जो गेन करते हैं वो हमारे पास क्या है, इट इज द टुगेदरनेस विद द सोशल प्रैक्टिसेस, जो भी सोशल प्रैक्टिसेस होती है, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड पावर रिलेशंस, उन सबको हमने क्या करना है, इंटरकनेक्टेड करना है. इंटरकनेक्टेड करने के बाद अगर उसको हम समझेंगे तो उसमें रिलेशंस निकल कर आएंगे, तो उससे हम ज्यादा नॉलेज को जो है काफी लंबे टाइम तक जो है स्टेबल कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू फूको ट्रूथ मॉरलिटी एंड मीनिंग आर क्रिएटेड थ्रू दिस कोर्स, ठीक है. तो आपको याद रखना है कि डिस्कोर्स का जो एक ये टर्म थी वो किसने दी थी, मिशेल फूको ने दी थी, ठीक है. और किस कॉन्टेक्स्ट में दी थी, न्यू हिस्टोरिसिज्म के कॉन्टेक्स्ट में दी थी. थिक डिस्क्रिप्शन, इट इज द टर्म यूज्ड बाय क्लिफोर्ड गिर्च इन हिज 1973 एसे. क्लिफोर्ड गिर्च का नाम आपने याद रखना है, जिसने ये टर्म दी थी. थिक डिस्क्रिप्शन किसमें दी थी, उनका एक एसे था, थिक डिस्क्रिप्शन टुवर्ड एन इंटरप्रिटेटिव थ्योरी ऑफ कल्चर, ठीक है. क्योंकि इसके अंदर कल्चर ऐड हो जाता है, ठीक है. तो उस कल्चर को लेकर के, कल्चरलिज्म जो है उसको लेकर के इन्होंने ये थ्योरी दी, ठीक है. बोरोड द टर्म फ्रॉम गिलबर्ट रॉयल, अ ब्रिटिश मेटाफिजिकल फिलोसोफर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. एक जो मेटाफिजिकल फिलोसोफर थे ये, क्यों, गिलबर्ट रॉयल, उनसे जो है ये टर्म उन्होंने बोरो की थी, क्लिफोर्ड गिर्च ने. थिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है, थिक डिस्क्रिप्शन. Gitz stated that the anthropology's task is that of explaining cultures through thick description, which specifies many details, conceptual structures and meaning, and which is opposed to thin description, which is a factual account without interpretation. यानी कि दो तरह के description होते हैं, एक हमारे पास thin description हो गया, एक हमारे पास thick description हो गया. Thin description में किसकी बात करता है, facts की बात करता है, information की बात करता है. जो कुछ भी हुआ उसको सिर्फ हमने क्या बना दिया, एक report बना दी, report के according उसको present कर दिया, उसके अंदर सारे facts जो है वो इंक्लूड करे जाएंगे. लेकिन जो थिक डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर हमारे क्या आते हैं, इंटरप्रिटेशंस आ जाती हैं, ठीक है. उस इंटरप्रिटेशन को जब हम फैक्ट्स के साथ ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, थिक डिस्क्रिप्शन आएगा. और ये जो है थ्योरी किसने दी थी, ये हमारे पास हो जाएगी क्लिफोर्ड गिर्च ने जो है इसको दी. तो आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या होता है. न्यू हिस्टोरिसिज्म दैट इज बेस्ड ऑन सम कॉन्टेक्स्ट लाइक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल, ठीक है. तो उन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होता है, दैट दे वेंट डीप इनटू कॉन्टेक्स्ट, दे वेंट डीप इनटू हिस्ट्री, दे वेंट डीप इनटू पॉलिटिक्स, ठीक है. तो वो सारी चीजें ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, न्यू हिस्टोरिसिज्म बन जाता है, ठीक है. स्टीफन ग्रीनब्लैट ने इसको दिया था थ्योरी को, तो ये बात आप याद रखेंगे. मिशेल फूको का नाम इसमें याद रखना है आपने, ठीक है. वो काफी डीप चले गए थे. और इसके अंदर लुईस मॉन्ट्रोज का नाम आपने याद रखना है, लुई बोलेंगे उसको, लुईस नहीं बोलेंगे, लुई मॉन्ट्रोज का नाम याद रखेंगे. उनका एक ऐसे था द मिडसमर नाइट ड्रीम्स. देखो मिडसमर नाइट ड्रीम जो है, हमारे पास एक प्ले है, दैट इज
रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, बट आपको यहाँ पे याद रखना है ऐसे है लुई मोनरोज का, ठीक है, द मिडसमर नाइट ड्रीम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और उन्हीं का एक सेकेंड ऐसे आया था, शेपिंग फ्रांसिस ऑफ एलिजाबेथन कल्चर जेंडर पावर फॉर्म, ठीक है। तो ये इनके दो हमारे पास एसेज हैं, ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन आप इसके नोट्स बनाएंगे, ठीक है, और ये अपना नोट कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यू हिस्टोरिसिज्म को लेकर के, और उससे रिलेटेड हमारे पास जो भी हिस्टोरिसिस्ट रहे उनके नेम आप याद करते। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।